भाजपा की दूसरी सूची जारी होने से पत्थरगांव विधानसभा क्षेत्र से सांसद गोमती साय मैडम को विधायक का टिकट मिला है, जिसको लेकर NH 43 पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सांसद गोमती मैडम को टिकट मिलने से क्षेत्र में उनका जोरदार स्वागत हुआ, साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा गया। उनके स्वागत में ग्रामीणों में खुशी नजर आई और साथ ही ग्रामीणों ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान गोमती साय ने अपने बयान में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मैडम यहाँ आज क्या हो रहा है? यहाँ देखिए, यहाँ जिस तरह से 5 साल बाद हर प्रदेश में होता है, देश में होता है, ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। और जिस तरह से चुनाव का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी में 5 सीट को छोड़ करके 90 के 90 विधानसभा पे सभी प्रत्याशी घोषणा हो गया है। आज जिस तरह से लोकसभा में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया, मौका दिया, इसी तरह एक सांसद होने के बाद भी आज मुझे पत्थरगांव के विधानसभा में मुझे प्रत्याशी के रूप में पार्टी ने विश्वास किया है। पार्टी के लोग, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता विश्वास और भरोसा किया है। आज यहाँ दशकों से कांग्रेस का विधायक होते आया है, ये इतिहास को बदलने के लिए पत्थलगांव के सभी कार्यकर्ता कमर कस लिए हैं और ये मैदान जंग में सब लोग उतर गए हैं, बिल्कुल सर में साफा बांध के उतरे हैं। गोमती दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस का जो विपक्षी पार्टी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं कांग्रेस के लिए यही बोल सकती हूँ, दशकों से पत्थलगांव विधानसभा में जो भी विधायक रहा है, प्रतिनिधि रहा है, जिस तरह से पत्थलगांव का जो दुर्दशा है, पत्थलगांव के जनताओं को छलने का काम ये लोग हमेशा किया है, एक वोट बैंक बना करके रखने का काम जो किया है, इस बार रिकॉर्ड टूटेगा और पत्थलगांव विधानसभा के जनता का मन बदल चुका है। और जिस तरह से 5 साल हो गया छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भूपेश बघेल का सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को छलने का जो काम किया है, ये जनता देख रही है पूरे छत्तीसगढ़ का। ये खाली सभी समय का इंतजार कर रहा था, आज वो समय आ गया है और बिल्कुल 1.5 महीना बाद चुनाव है, उसका प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों को उदाहरण मिल जाएगा और प्रमाण भी मिल जाएगा। और जिस तरह से जनता को छलने का काम किया है, आदिवासियों को छलने का काम किया है, महिलाओं को छलने का काम किया है, युवाओं को छलने का काम किया है, जिस तरह से PSC घोटाला, गोबर घोटाला, चावल घोटाला, भू माफिया, रेत माफिया, जिस तरह से यहाँ माफियाओं का राज चल रही है छत्तीसगढ़ में, लगभग पूरा जनता ठान ली है कि कांग्रेस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। ऐसा कार्यकर्ता का भी और जनताओं का भी।